अब ऐसे उठाना है। आज हर्ष जा रहा है वापस जयपुर। जाली सी और ये मखाने हटाना है ऐसे जो लटक लटक। और हमारी किचन में आज ना बहुत सारी चीजें बन रही हैं। आज है एकादशी का फास्ट सबका, तो हम लोग ना कचौड़ी बना रहे हैं और गिट्टू बहुत अच्छी कचौड़ी बना रही है। इसमें ना कुटू का आटा है, आलू हैं और दोनों ना इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लिए हैं। और फिर इसमें हरी मिर्च डाल दी है, धनिया, काली मिर्च वगैरह डाल के कचौड़ी बन रही है। देखो ऐसी कचौड़ी बनेंगी है। बस इनको फ्राई कर लेंगे और फ्राई कर नहीं लेंगे, फ्राई हो भी रही है देखो। शानू जो है ना बता रहा है मम्मी को कि वैक्यूम क्लीनर कैसे इस्तेमाल करें, और ये मम्मी के पास ना बहुत दिनों से रखा हुआ है। जब मैं मम्मी के पास आती हूँ तो बहुत सा ऐसा सामान होता है जो वो रखे रहती हैं, तो जैसे हम लड़कियों की आदत होती है उन सारे सामान को निकलवा के मम्मी से बोलते हैं कि इस सब को यूज़ करो, तो वही अब शानू जो है ना सारी चीज़ बता देता है, गिट्टू के बेटे बता देते हैं, जैसे हर्ष है, उत्कर्ष है, तो शानू ने इस तरीके से मम्मी को ये बता दिया और अब बहुत सारी चीज़ों की हम लोग डीक्लटरिंग करने में लग गए जो कि पहले से ही हमने सोचा हुआ था। मम्मी की जो ऊपर ये अलमीरा बनी हुई है ना, इनमें कुछ सामान भरा है, इन सबको मुझे आज सही करना है। निकालेंगे हम इनमें से कुछ बेकार के बर्तन, और थोड़ी सी ना दाल भिगोती है जिससे मैं बनाऊंगी। नहीं दाल कहाँ है मम्मी? हाँ ये भिगोई है दाल जिसकी मैं दही गुंजिया बनाऊंगी आज। तो बस शुरू हो गई डी क्लटरिंग, क्योंकि मेरा तो डीप क्लीनिंग का रूल ही ये है कि मैं सारी चीज़ें खाली करके तब क्लीन करती हूँ। मम्मी के पास पुराने बहुत सारे बर्तन वगैरह थे, वो मुझे निकालने थे और ये सारी साफ करनी थी, और बेसिकली जो ऊपर की जितनी भी ये शेल्व्स हैं ना, इन सबको मुझे खाली करना था, क्योंकि मम्मी की आदत है ना कोई बर्तन निकालने के लिए, वो इसी तरीके से जो है प्लेटफॉर्म पर चढ़ के काम करती हैं। बेबी तो बहुत क्लीनिंग कर रही है आज, बहुत जबरदस्त, और वो भी ऐसी डेंजरस जगह पे खड़े होकर, स्लैब और ये सब कुछ, बहुत डीप क्लीनिंग चल रही है किचन की। ये रहे न्यूज़पेपर बेबी, जब ये बच्चे आते हैं ये मेरी सारी सफाई करके जाते हैं, कोई भी नहीं हो पाता, इतनी मेहनत करके जाती हैं पूरी सफाई करके। इतना ऊपर चढ़ना मम्मी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेबी सब मम्मी का करके जा रही है। नहीं गिट्टू नीचे का काम पकड़ रखा है गिट्टू ने, और मैंने ऊपर का पकड़ रखा है। बहुत मेहनत करती है, मेरे से दोनों बेटियाँ मेरी पूरी सब काम करके जाती है, सब संभाल के रख करके। मम्मी जाली सी और ये मखाने हटाना है ऐसे जो लटक लटक रहे हैं, तो कीले हटा दो सारी, मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही बुरी लगती। मम्मी दोनों चीज़ हटा दो, कांच का सारा सामान। डीप क्लीन करने के लिए सबसे पहले हर चीज को क्या करना होता है? खाली। इसमें प्लांट वगैरह लगा लो, लो मम्मी बाहर मुल्कान आएगी। इनके ऊपर गमले रख लो, इन पर तुलसी भी रख लेना और इन पे गमले, जिस दिन जरूरत हो गमला हटा के इस्तेमाल कर लो, फिर गमले रख दो। तुम्हें कुछ बहुत खजाना रख रखा है कोई बहुत बढ़िया? नहीं वो है गेहूँ की बात होगी। लो अपने क्यों रख रखी है? इसमें रख कर दो। क्यों बोली के लिए तूने पौधों में रख दो ना? हाँ वही रख देती हूँ, इसे अलग रख देना, ये तुम्हारा काम का है। लो ये खाली है मम्मी, देखो आपके एक चीज है यार, ये रख के आ जाओ। और मुझे झाड़ू दे देना घर से जाले वाले, ये तो वो है स्टॉक पे। हाँ तो इसे रख, एक जगह बना दूंगी मैं तुम्हारे लिए। शादा ये सब हटा दो, तुम्हारी जो बिस्किट की एक अलमारी है तो ये इनकी है तुम्हारे। हाँ तो इन्हें नीचे ही रखो ना, डैडी इस पे चढ़ के। ये है इनका खंड। नहीं तो डैडी का खंड नीचे बना देंगे ना। इन्होंने ये ले रखा है तुम्हारा, जहाँ खड़ी हुई वाला, ये खंड इनका है, इन्हीं का सामान होगा। चलो तो डैडी का अलग रख दो वहाँ पे। चलो इसे कुर्सी क्या करूँ, खाली करूँ फिर?
कर दो क्लीनिंग ही सामान हम यहाँ पर। ऊपर की जितनी भी अलमीरा थी ये सब मैंने ना जो बर्तन धोने का साबुन होता है उसी से क्लीन करी अच्छी तरह से, और फिर इवनिंग में मैंने मार्केट से जाके मैं लाइनिंग भी ले आई हूँ और उनको भी मुझे बिछाना है। और बहुत ढेर सारे बर्तन मैंने निकाल दिए हैं मम्मी के जो कि बिल्कुल अब उनके काम के नहीं हैं, और ऊपर की शेल्फ खाली करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब वो ऊपर नहीं चढ़ेंगी। और इसी तरह से जो नीचे की अलमीरा है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सब सेट कर दी, और हाँ उसके बाद मम्मी को बता भी दिया कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। और डीप क्लीनिंग में जैसे किचन की जालियाँ हैं और जो इसकी किचन की चिमनी की जालियाँ होती ना ये भी मैंने अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर दी। और उसके बाद मुझे बनाने थे थोड़े सी दही गुंजिया, वो भी बनाई, और मैं और गिट्टू ना काफ़ी लंबे टाइम तक इसी में लगे रहे। देखते ही कैसे बना रही है, बड़ी से बना मम्मी जो है बना रही है दही गुंजिया। देखो ये मम्मी ने लोई, अब क्या करेंगे मम्मी, अब क्या करेंगे, अब ऐसे उठाना है करो 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 ऐसे। अच्छी बात नहीं हो बताते ना। अरे अरे नहीं नहीं दबाना दबाना है, ड्राइंग नहीं करनी मुझे। आज हर्ष जा रहा है वापस जयपुर, उसे आगे भी पढ़ाई करनी है अपनी। गिट्टू अभी यहीं पे रहेगी, मम्मी हम लोग यहीं रहेंगे, छोड़ने आए हैं अभी इसको। तो ठीक है हर्ष, अच्छे से रहना बेटा, बाय बाय बेटा। और आज हमें मामा जी ने बुलाया है ब्रेकफास्ट के लिए, और इतनी ढेर सारी चीजें बनी हैं। आइसक्रीम को रहने देते हैं अभी, पर कितना तो गया। और आगरा में ना दोनों मामा जी रहते हैं, जैसे ही मैं वहां जाती हूँ लंच पे डिनर पे ब्रेकफास्ट पे जरूर बुलाते हैं, और जाने में अच्छा भी लगता है। तो बड़े मामा जी ने ना बहुत सारी चीज़ें बनवाई और हमने खूब सारा ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद ना आज हमें जाना था ताजमहल, बच्चे थे तो सबको हमें दिखाना था, शानू और उत्कर्ष था, हर्ष तो चला गया था। और जो ताजमहल में पार्किंग है वो काफ़ी मतलब दूर पे हो जाती है, उसके बाद वहाँ पे छोटे ऑटो वगैरह मिलते हैं जिनसे ताजमहल के मेन गेट तक चले जाते हैं। और मैं तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पर, काफ़ी साल हो गए हैं, क्योंकि मम्मी के पास आते हैं तो कभी इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज दिखी, जैसे जो साइड के जितने भी रास्ते थे इनमें बहुत ग्रीनरी हो गई थी और बहुत साफ़ सुथरे थे। तो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं ना तो ताजमहल जरूर जाना, बहुत अगर आपने पहले पुराना देखा है तो अब आपको काफ़ी बदला हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद जो एंट्री होती है उसके भी थोड़े से रास्ते बदल गए हैं, लेकिन हाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे अकेले आओ तो शायद इतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन सबके साथ आओ ना तो बिल्कुल वही चीज़ जो है ना, मतलब सेम चीज़ को आप अगर घूमते हो सबके साथ तो बहुत ही अलग तरीके के आपका जो एंटरटेनमेंट होता है। और बताओ नानी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद आई हैं, पहले आते थे उसके बाद मैं अब आए हैं। और हम ना ताजमहल में आ गए हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लंबे गैप के बाद आए हैं और बहुत सारे गेट्स हैं, इतना बड़ा है ना, देखो बहुत बड़ा है।
ताजमहल को जैसे जैसे दूर से देखो ना तो वो छोटा दिखाई देता है, और जैसे जैसे उसके पास जाते हैं ना वो बड़ा होता जाता है। तो हम तो गए थे करीब 3 o'clock पे, खूब तेज धूप थी, लेकिन क्योंकि मौसम अच्छा था तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। कोई भी फूड आइटम्स अंदर नहीं ले जाने देते हैं, और अगर आपके पास कैमरा हो, फोन्स हो तो आप वो लेके जा सकते हैं, बट ट्राईपॉड वगैरह अलाउड नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई वीडियोस वगैरह बनानी है तो आप कैमरा DSLR वगैरह अपना फ्रीली ले जाइए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है ना अजूबा। जो मेन मकबरा है वहाँ पे, जहाँ पे रियल कब्र है, वहाँ की टिकट अलग होती है और एंट्रेंस वाली टिकट अलग है। अब यहाँ से जो ताजमहल की मेन बिल्डिंग है वहाँ पर हम जा रहे थे, लेकिन मतलब वहाँ से तो एक तो बहुत ही सुंदर लगता है ताजमहल, और दूसरा यहाँ के आगे जाकर कोई भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बस इतना ही देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ अंदर इसमें जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें बहुत ही अलग हैं। तो मैंने तो काफ़ी एक अच्छा टाइम अंदर स्पेंड किया, चीज़ें पूछी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। दीपाली जी हैं ये, आप कहाँ से आए? मैं असम से आई हूँ। इनसे मिलना लिखा था, एकदम से मिल लिए। आपका हर वीडियो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो बहुत लोग मुझे मिलते हैं, और ये जो आप लोग मुझे पहचानते हो, मेरे पास आते हो, बात करते हो, ये मुझे अपने वीडियो बनाने से लेके पब्लिश जब मैं करती हूँ उस पूरे प्रोसेस में, या मैं जो YouTube पे हूँ उस प्रोसेस में, जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ है वो यही है। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू बोलती हूँ दिल से आप सबको, जो मुझे इस मुकाम तक आप लोगों ने पहुँचाया कि आप मुझे पहचानने लगे हो। तो ताजमहल आने का, जैसे हम जब हम घर से निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि धूप में कहाँ जाएंगे, इतनी दूर है घर से, पर अब अच्छा भी नहीं लगेगा, देखा हुआ है। लेकिन जब हम घर से निकलकर बाहर बच्चों के साथ कहीं आते हैं, या मम्मी को लेकर जब हम बाहर आए, तो बिल्कुल ही उस दिन की वाइब्स चेंज हो गई। मम्मी डैडी वैसे तो निकलते नहीं हैं, बहुत कम कहीं बाहर जाते हैं, एक्चुअली जाते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे संग जो हमने बाहर जाके उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, उससे उनके अंदर बिल्कुल एक नई एनर्जी आ गई। तो कई बार हम अपने लाइफ के, जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, उसके जो रूटीन्स होते हैं, उसमें हमें लगता है कि बस हम घर पे रहें और बस बात करें, लेकिन थोड़ा सा उठकर निकलना कुछ चेंज ला देता है। ताजमहल कई जगह से देखिए कुछ इस तरह से अब खराब भी होने लगा है, लेकिन ओवरऑल ये एक ट्रिप मेरी यादगार। ताजमहल पूरा, और आके बैठ गए बाहर गाड़ी के पास और पी रहे हैं अपनी चाय। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मम्मी के साथ आ रहा है खूब मज़ा, और इसी तरीके से कुछ दिन हम यहाँ पे और स्पेंड करेंगे, और जैसे भी ब्लॉग मेरे से बनते चले जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।